रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। ओके, ये थ्री कैटेगरी में रिएक्शंस करता है मेटल्स के साथ। नंबर वन, वेरी डाइल्यूट। ओके, इफ वी सी द वो वेट बाय वॉल्यूम रेशियो दैट इज लेस देन 1%। ये समझ में आता है? ये क्या लिखा, वेट बाय वॉल्यूम? ओके, वेरी गुड। नाउ सेकेंड कंडीशंस में ये रिएक्ट करता है, दैट इज इन डाइल्यूट कंडीशंस। यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम दैट इज लेस देन 20%। ओके, एंड इन द नेक्स्ट कंडीशंस कंसंट्रेट फॉर्म एंड वेट बाई वॉल्यूम्स कितना होगा? ग्रेटर देन 20%। ओके, नाउ वेरी डाइल्यूट कंडीशंस में रिएक्शंस करेगा विथ एम एन एंड एम जी। ओके, एम एन एंड एम जी के साथ ये प्रोड्यूस करेगा H2 गैस। H2 गैस प्रोड्यूस करता विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इन केस अगर इसका रिएक्शन ZN से कराते हैं, HNO3 का रिएक्शन ZN से होगा, दैट प्रोड्यूस NH4NO3। ओके, जेडन के साथ रिएक्शंस होगा, आपका NH4NO3 फॉर्म होगा। ओके, मार्क दैट, जहां पर स्टार मार्क करता हूँ वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। जेडन के साथ रिएक्शंस होगा, NH4NO3 फॉर्म होगा। MN और MG के साथ रिएक्शंस होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द मेटल्स, जो रेस्ट मेटल्स हैं इवॉल्व H2O एज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इज दैट थिंग्स क्लियर? समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट देखो, इन डाइल्यूट कंडीशंस, डाइल्यूट कंडीशन पे आपके पास ए जी, एच जी, सी यू, पी वी, जब ये रिएक्शंस करता है, दैट गिव्स अस एन ओ गैस, नो गैस, एनओ गैस। ओके, प्लस मेटल नाइट्रेट। गिव मी द फॉर्मूला ऑफ मेटल नाइट्रेट, एनीबॉडी? मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NO3 ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ रिएक्शंस आपकी एफ ई और जेडन के साथ होती है, ओके, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? N2O गैस एंड प्लस में मेटल नाइट्रेट। समझ में आया? इफ वी रिएक्ट विथ SN के साथ रिएक्शंस होगा, यहाँ पर SN के साथ रिएक्शंस होगा, दैट फॉर्म्स NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट। समझ में आया? नाउ ये रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में देखते हैं। ओके,
SN जब रिएक्शंस करेगा विद डाइल्यूट HNO3 के साथ दैट फॉर्म्स NH4NO3। NH4NO3 समझ में आया? SN के साथ रिएक्शंस करेगा, NH4NO3 फॉर्म होगा। FeZn के साथ रिएक्शंस करेगा, फेजान इसको, Fe आयरन एंड जिंक के साथ रिएक्शंस करेगा, दैट गिव्स अस NO2, N2 सॉरी, N2 गैस देगा। द नेम ऑफ दिस गैस, लाफिंग गैस। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट, रिएक्शन विथ कंसनट्रेट HNO3। ओके, इन कंसनट्रेट फॉर्म में जितने भी मेटल्स हैं, Ag, Hg, Cu, Pb, Fe, Zn, ऑल आर रिएक्टेड विथ HNO3 एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? NO2 गैस फॉर्म करेंगे। NO2 गैस फॉर्म करेगा प्लस साथ में मेटल नाइट्रेट। ओके, मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा एंड NO2 गैस फॉर्म करेगा। एंड द लास्टली जब SN से रिएक्शंस होगा दैट गिव्स अस H2 SNO3। एनीबॉडी गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। मेटास्टेनिक एसिड। ओके, तो ये समझ में आया? SN के साथ रिएक्शन होगा, SN क्या है आपका? टिन। टिन के साथ जब रिएक्शन होगा दैट गिव्स अस मेटल, दैट ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से? मेटल सॉरी, मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड। ओके, नाउ इसमें जो डाइल्यूट HNO3 के साथ जो रिएक्शंस हो रही है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, ऑल थ्री कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस आपको करना है। बेसिकली जो रिएक्शन हो रही है वो इन फोर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही है। PiCs, आप इसको पिक्स से भी रिमेम्बर कर सकते हो, पिक्स। ओके, नाउ फास्फोरस एग्जिस्ट एज अ P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा यहाँ पर। व्हेन जब इसका रिएक्शन होगा विद HNO3 के साथ कंसंट्रेट HNO3, क्या मिलेगा हमको? NO2 प्लस H3PO4। ओके, नाउ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2
5 है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शंस का भी एक एग्जाम्पल है। ओके, रेडॉक्स में भी इसको पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नाइट्रोजन्स का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 फास्फोरस का, यहाँ पर 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट, जब आई मीन्स आई टू से रिएक्शंस करेगा, आई टू से रिएक्शन होगा +HNO3, सारे में कंसंट्रेट HNO3 लेना हमको, NO2 मिलेगा +HIO3 मिलेगा। ओके, HIO3 मिलेगा, यहाँ पर HIO3 फॉर्म नहीं कराना है, बिकॉज HIO3 क्या हो जाएगा, सॉरी HIO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इन कंपेयर टू HNO3। ओके, तो रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए HIO4 फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो, HIO4 इज स्ट्रॉन्गर देन HNO3। ओके, तो HIO4 फॉर्म नहीं होगा, अगर फॉर्म होता है तो रिएक्शंस आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, कार्बन के साथ रिएक्शंस, क्या होगा, किसी को आइडिया है? HNO3 कंसंट्रेट यहाँ पर रहेगा, दैट गिव्स अस NO2 प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, एंड ये गैस क्या है, बेसिक है या नहीं है, बेसिक है क्या? नो, ये भी एसिडिक गैस है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वह HNO3 के साथ एक कंपाउंड्स ए रिएक्ट करता है, दैट गिव टू एसिडिक गैसेस एंड वन न्यूट्रल गैस। ओके, तो ये गैस होती हैं, यहाँ पर स्टीम में वाटर मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी एंड NO2 गैस मिलेगा। ओके, NO2 गैस आपका एसिडिक होता है एंड CO2 भी एसिडिक होता है एंड वाटर आपका न्यूट्रल होगा। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शंस होगा, कंसंट्रेट NO2 प्लस H2SO4 प्लस H2O। ओके, नाउ आपने एक बात नोटिस की, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो जो भी इसके साथ रिएक्शंस करेगा, जो भी एलिमेंट्स इसके साथ रिएक्शंस करेगा, वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर फास्फोरस से रिएक्शंस किया, तो फास्फोरस को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाया। सिमिलरली आई आई टू से रिएक्शंस किया, यहाँ पर आई की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाया, यहाँ पर +5 होता है, +7 में नहीं जाएगा, +7 HIO4 में होता है, ये नहीं जाएगा, बिकॉज HIO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। ओके, तो ये सिर्फ +5 में जाता है, बाकी कार्बन का यहाँ पर 0 था, यहाँ पर +4 में पहुंच जाएगा। सिमिलरली सल्फर 0 था, यहाँ पर सल्फर +6 में पहुंच जाएगा। सो ऑल दिस एग्जाम्पल हम लोग रिडॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स HNO4 क्या होता है बेटा इसका?
पर नाइट्रिक एसिड्स, ओके, सो दैट इज पर नाइट्रिक एसिड, ओके। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके, नेक्स्ट, अगर इस एसिड से मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव कर लिया, एक ऑक्सीजन रिमूव किया, तो एसिड आपका कौन सा होगा? नेक्स्ट एसिड HNO3। HNO3 का नाम तो सब लोग जानते होंगे, दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओके। अगर नाइट्रिक एसिड से भी एक ऑक्सीजन या वन ऑक्सीजन रिमूव करने पर आपका एसिड फॉर्म होगा HNO2। नाउ गिव मी द नेम ऑफ दिस एसिड। ये एसिड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही यूज होता है, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में, फॉर्म करने में इसका यूज होगा HNO2 का। नाम क्या है इस एसिड का? नाइट्रस वेरी गुड, नाइट्रस एसिड, ओके। नाइट्रस एसिड्स एक्ट एज अ आर्हेनियस एसिड और बेस, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये अपना एच आयंस भी रिमूव कर सकता है एंड OH निगेटिव भी रिमूव कर सकता है, तो बोथ पॉसिबल, बहुत। आर्हेनियस एसिड एंड क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ अभी इसके बेस पे एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको, वो करना है। कंपाउंड्स ए व्हेन रिएक्टेड विथ HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड्स बी फॉर्म करता है, ओके। एंड बी का हाइड्रोलिसिस करने पर, कंपाउंड सी फॉर्म होगा। और यू कैन से दैट अगर यहाँ पर हमने रिएक्शंस किया विथ BF3 के साथ रिएक्शंस करेंगे, देन अनदर कंपाउंड फॉर्म होगा आपका। तो ये ए एंड बी मुझे बताना है, एंड द कंडीशन इज दैट ए आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस बेस है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, एंड बी एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। क्या हो सकता है? एनीबडी, ए एंड बी एंड सी बताओ, सॉरी ए बी एंड सी। कोई सॉल्व कर रहा है क्या इसको? एनिलीन का नाम सुना है आपने? एनिलीन हाँ फॉर्मूला क्या होता है एनिलीन का? C6H5NH2 वेरी गुड।
NH2 का जब रिएक्शंस करते हैं HNO2 से, बेसिकली HNO2 नहीं होता आपका, रिएक्शन होता है HNO2 का NaNO2 प्लस HCl, यहां से आपका HNO2 फॉर्म होता है। ओके HNO2, ये NO2 आपका यहाँ पर भी था, तो बेसिकली ये रिएक्शन भी साथ में चलती है पैरेलली, तब जाके ये रिएक्शंस करेगा। एंड यहाँ पर डाई एजोनियम सॉल्ट जानते हो एनीबॉडी? डाई एजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट्स एग्जिस्ट करता है 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा भी हीट करेंगे मोर देन 5 डिग्री C पर, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? एनिलीन का रिएक्शंस करेंगे HNO2 के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। नाउ B2C आपको मुझे बताना, B2C नहीं बताऊंगा। ओके नेक्स्ट देखो, इन दिस सीरीज द नेक्स्ट एसिड्स HNO2 से, अगर HNO2 से 1 ऑक्सीजन रिमूव हुआ, क्या फॉर्म होगा एसिड? HNO, इसका नाम क्या होता है एनीबॉडी? दैट एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म। ओके एंड द नेम ऑफ दिस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड्स, ओके, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2N2O2 हो गया। नाउ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ओके। अगर लोन पेयर सेम साइड है, दैट मीन्स इसको सिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके इफ लोन पेयर अपोजिट साइड है, क्या बन जाएगा? एंटी। ओके हेलो, फिर क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, फास्फोरस, फास्फोरस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आप लोग बेटा एनसीईआरटी बुक से देख लेना। डायरेक्टली हम लोग रिएक्शंस पे चलते हैं, बिकॉज रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड एंड व्हाइट फास्फोरस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, बट ज्यादा उससे क्वेश्चंस कभी आता नहीं। ओके सो फास्फोरस एग्जिस्ट एज अ P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर में रहते हुए, एरियल ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलेंगे, येलोइश कलर हो जाता है इसका। ओके एंड दैट एग्जिस्ट एज अ वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक, वायलेट। समझ में आया? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप समझते हो? ओके नेक्स्ट, P4, अगर मैं P4 की रिएक्शंस कराऊं, P4 वाइट फास्फोरस। ओके इसको जब नॉर्मली हीट करते हैं, देखो नॉर्मली हीट किया मैंने, अराउंड, नॉर्मली हीट नहीं है, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1000 केल्विन पर मैंने हीट किया, दैट कन्वर्टेड इनटू P2। P2 फास्फोरस का ही अनदर एलोट्रॉप्स है, बट क्या होगा, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ओके तो फिर से ये P4 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? नाउ
द नेक्स्ट रिएक्शन अगर इसका लिमिटेड ऑक्सीडेशन करते हैं या मीन्स ऑक्सीजन लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं देन तब रिएक्शन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा P2O3 में. P2O3 O2 लिमिटेड अगर एक्सेस ऑफ O2 हो जाएगा देन P2O5 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर. ओके वो भी लिख लो आप एक्सेस ऑफ O2 एक्सेस ऑफ O2 पर रिएक्शंस करेंगे दैट P2O5 फॉर्म होगा. ओके एंड P2O3 जो P2O3 है ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दोनों P2O3 एंड P2O5 समझे दैट एग्जिस्ट ये डाइमराइज हो जाते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा. क्या फॉर्म हो जाएगा P4O6 एंड यहाँ पर P4O10. नाउ ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड्स है हु विल गिव मी द आंसर कि ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड्स है. अभी मैंने जब ऑक्साइड्स बता रहा था मैं नाइट्रोजन का तभी मैंने बताया था उस टाइम पर एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं आप लोग किसी भी एसिड से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं दैट मीन्स वो उसका एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल H3PO4 एसिड है एंड H3PO4 दी जा रहा था टू एसिड्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे क्या ये P2O3 फॉर्म हो रहा है और P4O6 फॉर्म हो रहा है क्या देखो यहाँ पर ये फॉर्म होगा अगर मैं इसका रिएक्शंस कर दूं विथ वाटर H3PO4 H3PO3 एंड H3PO4 फॉर्म होगा. ओके तो ये इस एसिड का H3PO4 ऑर्थोफास्फोरिक एसिड्स एंड फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड्स होते हैं बोथ ऑफ दिस. ओके P4O6 एंड P4O10. ओके इसका रिएक्शंस बैकवर्ड रिएक्शंस लिखना यहाँ पर डाइमराइज करना एंड वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं फिर मुझे बताना. ओके नेक्स्ट एक्सिस ऑफ O2 हो गया देन क्लोरीन से रिएक्शंस क्लोरीन मींस हैलोजन से रिएक्शंस फास्फोरस हेलोजन से रिएक्शन करता है क्या फॉर्म होता है X2. ओके PX3 फॉर्म हो गया X2 आपका लिमिटेड ऑफ X2 रहेगा. ओके अगर एक्सिस में हो जाता है तो क्या फॉर्म हो जाएगा लिखो यहाँ पर एक्सिस में PCl5 फॉर्म हो जाएगा सॉरी PX5. ओके बेसिकली रिएक्शन Cl2Br2 के साथ होता है एंड Cl2Br2. ओके नाउ जो अभी रिएक्शंस मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर ROH से रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर रिएक्शन विद ROH. ROH जानते हो एल्कोहल्स एल्कोहल्स के साथ रिएक्शंस होगी यहाँ पर क्या कंपाउंड फॉर्म होगा अभी मैंने रिसेंटली एल्कोहल ईथर फिनॉल मैंने बताया था आपको सिमिलरली यहाँ पर भी वही रिएक्शंस फॉलो होने वाली है. यहाँ पर एल्कोहल के साथ रिएक्शंस होगा RCl फॉर्म होगा प्लस H3PO3 फॉर्म होगा. ओके एंड इस रिएक्शंस SN2 टाइप का रिएक्शन है ये. ओके समझ में आया ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट जब आपका PX5 फॉर्म होगा PX5 से आपका रिएक्शन हो रहा है विथ एल्कोहल्स
क्या फॉर्म होगा? Rx plus POX3. एल्केन Rx plus PO X3 plus of HX. ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस, अगर आपका रिएक्शंस R C O O H के साथ रिएक्शंस हो गया, क्या फॉर्म होगा? R C O X. इस कंपाउंड्स का नाम क्या है बेटा? X means आप CLBRI कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी आप R में मेथिल एथिल कोई सा भी ग्रुप ऐड कर सकते हो. जनरल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसाइल हैलाइड. वेरी गुड, एसाइल हैलाइड. ओके, ओके. नाउ इसके साथ जो POX3 है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं. डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझते हो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स वापस बाहर निकालने के लिए. ओके, देन इस नेक्स्ट रिएक्शंस इन दिस सीरीज अगर रिएक्शन हो रही है विद SOCl2. नाउ SOCl2 का नाम क्या है बेटा? एनीबॉडी गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स. थायोनिल क्लोराइड. वेरी गुड, थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा क्या फॉर्म होगा? PX3 फॉर्म होगा. ओके, समझ में आया? PX3 फॉर्म होगा. अगर मैं पूरा रिएक्शंस लिखूं इसमें, PX3 प्लस SO2 भी फॉर्म होगा प्लस S2Cl2 भी फॉर्म होगा. ओके, तो पूरा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट्स है फॉर थायोनिल क्लोराइड के केस में. बाकी केस में रिमेनिंग केस आपका मेजर प्रोडक्ट ही इम्पोर्टेंट है. जहां पर मैं स्टार मार्क करता हूँ वो रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, वहां पर आप लोग उसको याद रखना. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो. अगर मैं रिएक्शंस कराऊं यहां पर, SO2Cl2 का कंपाउंड्स का नाम क्या है? SO2Cl2. SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड. वेरी गुड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. यहां पर PX5 फॉर्म होगा. ओके, PX5 फॉर्म होगा. PX5 क्लियर, समझ में आया? वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, लिमिटेड ऑफ वाटर के साथ. H3PO4 फॉर्म होगा. यहाँ पर POCl3 फॉर्म होगा. Cl3, यहाँ पर X से मैंने Cl लिख दिया, कुछ डाउट है क्या? यहाँ पर X है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर X भी कर सकते हो, POX3 भी कर सकते हो आप लोग. ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस NaOH. NaOH एंड एच टू ओ के साथ रिएक्शंस करता है. पी एच थ्री गैस प्लस एन ए एच टू पी ओ टू. एग्जाम में आपके साथ एन ए ओ एच इक्वस लिख के आएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होने का, इसका मीनिंग एन ए ओ एच प्लस एच टू ओ ही है. ओके, एन ए ओ एच
प्लस एच टू के साथ फास्फोरस रिएक्शन करता है, फास्फीन गैस मिलता है, प्लस एन एच टू पी ओ टू मिलता है। समझ में आया? यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इस रिएक्शंस को, देखो ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस है, यहाँ पर भी कुछ अलग है, यहाँ पर जीरो है, एक जगह पर इंक्रीज हो रहा है एंड एक जगह पर डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है एच टू, इसके साथ जब हीट करते हैं एच टू गैस के साथ पी एच थ्री फॉर्म होगा। ओके नेक्स्ट, एस एट, एस एट क्या है बेटा? सल्फर पी फोर एस थ्री। पी फोर एस थ्री जानते हो कभी कहां पर यूज होता है? जो आपका मैचस्टिक होता है वहां पर पी फोर एस थ्री यूज होता है, फास्फोरस एंड सल्फर का मिक्सचर उसमें लगाया जाता है, समझे? नाउ अभी ये रिएक्शंस आपको बताना पड़ेगा, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शंस होता है क्या फॉर्म होता है? कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्या फॉर्म होगा? NO2 गैस प्लस H3PO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ना इफ रिएक्शन आपकी H2SO4 से हो रही है, दैट इज ऑल्सो कंसंट्रेट, क्या फॉर्म होगा? H3PO4 यहां पर भी फॉर्म होगा एंड SO2 फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा। ऐसे आइडिया लगाना है बिकॉज दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो फास्फोरस को उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर सेंड कर देते हैं ये लोग। समझ में आया ऑल ऑफ यू? फास्फोरस को उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंड कर देते हैं, एंड अगर आपका N है तो आपका NO2 फॉर्म हो जाएगा, एंड अगर यहाँ पर S है तो आपका यहाँ पर SO2 फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड वाटर तो दोनों में कॉमन है। S4S8 के साथ रिएक्शंस करते हैं यहाँ पर एंड थोड़ा सा माइल्डली हीट करते हैं, देन P4S3 फॉर्म होगा। P4S3 आपके मैच स्टिक में काम आता है। अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शंस हुआ PH3 फॉर्म होगा, NaH2 PO2 फॉर्म होगा। इस कंपाउंड्स का नेम भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है PX5 फॉर्म होगा, अगर इसका वाटर लिमिटेड ऑफ वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे POX3 फॉर्म होगा, प्लस वाटर के साथ रिएक्शंस करने पर H3PO3 फॉर्म होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? समझ में आया नहीं समझ में आया? नाउ व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस से मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। ओके, आप लोग देखते जाना, अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स है देन बताना। ओके, नंबर वन, व्हाइट फास्फोरस क्या होता बेटा? वैक्सी सॉलिड एंड सोपी। ओके, इन रेड फास्फोरस हार्ड पॉलीमर।
ओके सोपी टच. नेक्स्ट है इसमें कैन वी कट, इसको क्या करें कर सकते हैं, कैन बी कट विथ नाइफ, इसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं बट इसको नहीं कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट है थर्ड, गार्लिक ऑर्डर. नो टिपिकल ऑर्डर. ओके फोर्थ है पॉइजनस, वेरी वेरी पॉइजनस. ओके एंड ये नॉन पॉइजनस. फिफ्थ, फिफ्थ किसी को प्रॉपर्टी याद है? सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज फिफ्थ में, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या आएगा बेटा, कैच फायर इन एयर. ओके एयर में फायर कैच कर सकता है. ओके नो फायर इन एयर. React with X2 with pop sound at NTP. ओके एंड ये आपका ओनली हाईली टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है. रिएक्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. ओके नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन CH2. CH2 आपका क्या बेटा, पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर. वेरी गुड. तो ये आपका पोलर सॉल्वेंट है. ये CH2 पोलर सॉल्वेंट है? नॉन पोलर. इनसॉल्युबल इन बोथ. ओके तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना. ओके नाउ व्हेन P4 का रिएक्शन होता है, यहाँ पर आपका एट प्रॉपर्टी
P4 का NaOH इक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या फॉर्म होगा? अभी जस्ट ऊपर बताया PH3 प्लस NaH2PO2। ओके, नाउ व्हेन इसका रिएक्शन होगा P4 प्लस NaOH के साथ, ये हमको देता है H4P2O6। समझ में आया? H4P2O6, क्लियर ऑल ऑफ यू? इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनवाऊं आपको, तो P सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, ओके, काउंट करो कितने नंबर ऑफ एच आए, 1 2 3 4, 4 एच हो गया, P2 है एंड O6 है, क्लियर है? द नेम ऑफ दिस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, समझ में आया नहीं समझ में आया? नाउ इन केस अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ P4 वाइट, इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज पॉइंट नंबर 9 लिख सकते हो आप लोग स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर बात करूं पी, समझ में ऑल ऑफ यू? ये सिंगल बॉन्ड ही है बेटा। ओके, एक टाइप का इस तरीके से जो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनता है ना, वो होता है यहां पर। ओके, पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ आपका। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं द बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज, ये फास्फोरस वाला एंगल, अगर मैं फॉर एग्जांपल P1 P2 करता हूँ, मैं P1 P2 P3 P1 P2 नो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, P- P डबल डैश P ट्रिपल डैश P4 डैश। ओके, नाउ पी सिंगल डैश डबल डैश एंड ट्रिपल डैश के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, और यू कैन से PPP एंगल, एनीबॉडी? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बताना है, SP3 है ना? SP3, वेरी गुड, SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड इन दिस केस ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपका पी सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड पी देन पी इस तरीके से ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कौन सा फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं? रेड फास्फोरस का, ये व्हाइट फास्फोरस का। ओके, ये एग्जिस्ट करता है पॉलीमर फॉर्म में, एंड दिस एग्जिस्ट एज अ स्टेन। स्ट्रेन्ड हाईली रिएक्टिव, ओके, दैट इज स्ट्रेन्ड और हाईली रिएक्टिव। ओके, ये आपका पॉलीमर फॉर्म में होता है। ओके, एंड लेस रिएक्टिव, पॉलीमर फॉर्म में रिएक्टिव कम होगा। ओके, नाउ
अगर मैं पीपीपी एंगल की बात करूं, पीपीपी एंगल आपका 60 डिग्री एंगल होता है, सारा पीपीपी एंगल्स आपका 60 डिग्री एंगल होता है, बिकॉज ये एक पिरामिड आपने देखा ना, प्रिज्म देखा ना, प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपका, वहां पर सारे पीपीपी एंगल आपके 60 डिग्री होंगे। ओके नाउ इन केस यहाँ पर टोटल कितने एंगल होंगे, यहाँ पर देखो पी 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 एक वन एंगल इस तरीके से हो गया। ओके सेकंड एंगल एंड 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 अनदर 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 वन टू थ्री फोर इस तरीके, टोटल एंगल काउंट करो बेटा कितने एंगल हो गए। नाउ फॉर एग्जांपल देखो इधर से मैं काउंट करा रहा हूं, दिस इज वन एंगल, दिस इज टू एंगल, अगर मैं इस पीपीपी की बात करूं दिस इज वन एंगल एंड दिस इज टू एंगल, ओके एंड दिस इज होल इज थ्री एंगल, तो वन फास्फोरस, एक फास्फोरस के पास कितने एंगल है, थ्री एंगल, एंड देयर इज अ फोर फास्फोरस, तो टोटल पीपीपी एंगल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 12 इन नंबर। ये समझ में आया, 12 एंगल, वन फास्फोरस हैज थ्री एंगल्स विथ थ्री अदर फास्फोरस, जो तीन दूसरे फास्फोरस हैं, अदर फास्फोरस हैं, उनके साथ एक एक एंगल फॉर्म करेगा, तो टोटल्स कितने एंगल हो जाएंगे, सारे फास्फोरस अदर थ्री फास्फोरस के साथ एक एक एंगल फॉर्म करेंगे, सो टोटल 12 एंगल हो जाएंगे, एंड पर एंगल का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। समझ में ऑल ऑफ यू? नाउ जब इसको आप हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने हीट किया, देन ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक फास्फोरस में, ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट होगा, एंड दैट इज एक्सटेंसिवली पॉलीमर। ओके वो इससे ज्यादा ही पॉलीमर होता है, एक्सटेंसिव पॉलीमर। ओके जितना पॉलीमर होगा उतना स्टेबल होगा आपका। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज हो गई ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक फास्फोरस, दोनों में डिफरेंस हो गया। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट अभी देख रहे हैं हम लोग कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स अभी बता सकते हो, अदरवाइज कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस हम लोग मूव ऑन करते हैं। ओके कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में बेसिकली हमको PCl5 कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस बेसिकली हमको देखना है, नंबर वन PCl3 एंड नंबर टू PCl5। फॉर अभी के लिए अभी इतना ही देखना है। ओके वन सेकेंड, PCl5 and PCl3. Okay. Now, who will tell me PCl5 और PCl3 का physical state क्या होता है? PCl5 आपका oily, liquid and colorless. ओके एंड PCl3 येलो पाउडर। ओके एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू।
ओके समझ में आया. नाउ हु विल टेल मी द रिएक्शन ऑफ पीसीएल, रिएक्शन ऑफ पीसीएल 3 एंड पीसीएल 5. वन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने बताया एंड रिसेंटली मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर से नहीं बताया था. अगर आपका पीसीएल 5 को लेट्स से दैट एल्कोहल्स का रिएक्शन होता है बेस पे, पीसीएल 5 से रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा? एल्केन्स. ओके एल्केन्स फॉर्म होगा. ओके नाउ अगर आपका यहाँ पर एसिड है, एंड पीसीएल 5 है, क्या फॉर्म होगा बेटा? आर ओ सी एल. ओके आर ओ सी एल फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पर पी ओ सी एल 3 जो बाई प्रोडक्ट है वो तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ ये रिएक्शंस डायरेक्टली यहां से यहां तक हो जाती है PCl3 के साथ भी, समझिए ऑल ऑफ यू. नाउ PCl3 के साथ एक रिएक्शंस भी हो जाती है, दैट इज यहां पर एल्कोहल्स का रिएक्शन होगा विथ PCl3, क्या फॉर्म होता है ऑल ऑफ यू? RCl प्लस H3PO3, ये फॉर्म होने वाला है. ओके अभी रिसेंटली मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस में PCl3 के साथ रिएक्शन होता है एल्कोहल्स का, तो ये आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इन एल्कोहल्स. ओके नाउ देखो रिएक्शन, देखो PCl5 को जब हीट करते हैं हम लोग, PCl5 को हीट किया हीट करेंगे PCl5 को PCl3 प्लस Cl2 फॉर्म हो जाएगा, Cl2 यहां पर गैस निकल जाएगी. दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ओके एंड PCl5 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, क्या फॉर्म होता बेटा? सारे रिएक्शन रिपीटेड हैं, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं. POCl3 एंड POCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा H3PO4 फॉर्म होता है. POCl3 क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ओके एंड H3PO3 का नाम क्या है बेटा इस एसिड का? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड. ओके एंड दैट ऑर्थो फास्फोरिक एसिड्स एग्जिस्ट, जिस जिस एसिड में बेटा ऑर्थो लगा रहता है वो एसिड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जिस भी एसिड में ये ऑर्थो वर्ड यूज हुआ दोज एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? नाउ PCl5 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, PCl5 का स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट, कैन यू टेल मी PCl5 के सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं क्या? PCl5 के सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं? आंसर इज नो. ओके जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा दैट इज एक्सियल बॉन्ड कौन से होंगे, नाम अभी बताओ मुझे. एक्सियल बॉन्ड,
एक्सीएल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल. नाउ हु विल टेल मी एक्सीएल कौन से हैं एंड इक्वेटोरियल कौन से हैं? कौन बताएगा? दीज बॉन्ड्स आर एक्सीएल एंड दीज बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल. समझ में आया बेटा? That things right. All of you clear ना? प्रतीक, प्रेरणा, रघुनंदन, रुजिता, रुतु. एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ग्रेटर देन होती है इन कंपेयर टू द इक्वेटोरियल लेंथ. ओके, बट दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन conditions. यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं. ओके, वो कंडीशन अभी हम नीचे देखेंगे. दैट इज अगर मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, SN की रिएक्शन होती है विथ PCl5. SN व्हेन रिएक्टेड विथ PCl5 दैट गिव्स अस SnCl2 दैट गिव अस SnCl2 प्लस PCl3. ओके, यहाँ पर प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहाँ पर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. So we can say that this is the example of redox reaction. Samjhe all of you? And this is metal. Metal ke saath reaction hua, SnCl2 and PCl3 form hua. Okay. Any doubt? Kisi ko koi problem hai kya? एनी प्रॉब्लम? अभी बता सकते हो अगर कुछ डाउट है तो, अदरवाइज मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ. देखो ये लेंथ ये कंडीशंस अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. अगर इन केस इफ वी टॉक अबाउट PF2 Br3 इसकी बात करूं देन इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. P यहां पर F होता है एंड यहां पर Br होता है. ओके, ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है PF2Br3. इन दिस केस अगर मैं बात करूं दिस इज 2P, ये 2P होता है ना, एंड दिस इज ओके लेट्स टॉक अबाउट हियर 2P एंड यहाँ पर भी फास्फोरस 2P रहेगा एंड ये ब्रोमीन आपका 4P हो जाएगा. तो जो ये वाली लेंथ है लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस वाई एंड इसकी मैं बोलूँ एक्स, तो यहाँ पर आपका वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा. समझ में आया? इसलिए मैंने बोला दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बट नॉर्मली एक्सियल लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल लेंथ. ओके, बट कुछ कंडीशन होती हैं, कंडीशंस के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ अगर मैं बात करूं द आयनिक फॉर्म, इनका आयनिक फॉर्म कैसे एडजस्ट करता है, अगर PCl3 का PCl5 का आयनिक फॉर्म से लिख लेता हूं. आयनिक फॉर्म पहले से इंपॉर्टेंट मार्क किया मैंने बिकॉज PCl5 आपका सॉलिड होता है एंड दैट एग्जिस्ट इन PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंपाउंड होगा, आपका मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, JEE में क्वेश्चंस आएगा. टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 में जो P का हाइब्रिडाइजेशन है वो बताओ आप लोग. देन अगर PCl5 एग्जिस्ट करता आपके इस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म आपका ये होता है एंड यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन
sp3d2 होगा। समझ में आया? तो मल्टीपल चॉइस में आएगा, दोनों ऑप्शंस होंगे, आप लोग गलत कर जाओगे, डेफिनेटली यू आप गलत कर जाओगे। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है PCl5, उसके बारे में उसका हाइब्रिडाइजेशन तो याद रखना ही रखना है एटलीस्ट। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट PBr5, ओके, PBr5 सॉलिड होगा, PBr5 के बारे में बात करेंगे, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट PBr4 पॉजिटिव एंड Br negatives, ओके। नाउ आप बोलोगे सर PBr6 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहां पर नोट डाउन कर लो आप लोग, PBr6 negatives does not exist due to large size of Br. Clear? समझ में आया? Next compounds PI5 एग्जिस्ट करता है PI4 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ओके, नाउ ये तो कंपाउंड्स, PF5 अगर मैं बात करूं ये एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं रखने का। नाउ हु विल टेल मी N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है इसका आयनिक फॉर्म में, बताओ। N2O5 करा चुका हूं आपको, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, ओके। एंड अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp एंड यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक sp2 होगा। इज दैट थिंग्स क्लियर? समझ में आया सबको? आयनिक फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ यू क्लियर ना बेटा? ओके, हाँ सर। एसिड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में, फास्फोरस के कौन कौन से एसिड्स होते हैं। ओके, एसिड्स में बेसिकली हमको देखना है H3PO4 एंड H3PO3, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड्स, मेटा फास्फोरिक एसिड्स एंड पायरो फास्फोरिक एसिड्स। ओके, सो H3PO4 इसका नाम क्या होता है बेटा? ऑर्थोफास्फोरिक्स, मेटा और पायरोफास्फोरिक्स, कौन सा एसिड है ये? ऑर्थो और नॉर्मली फास्फोरिक एसिड है। नॉर्मली फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको एंड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी इसका नाम है। ओके, एट रूम टेम्परेचर सॉलिड होता है। ओके, जिस भी एसिड में ऑर्थो लगा हुआ है रूम टेम्परेचर पर सारे एसिड सॉलिड होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? सॉलिड और वाइट। क्लियर? नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा बेटा? H3PO4 का स्ट्रक्चर सबसे पहले P डबल बॉन्ड O लगा देना है एंड देन जितने नंबर ऑफ
हाइड्रोजन है उतने OH फॉर्म कर देना, H3PO4 हुआ। नाउ टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3। ओके तो यहाँ पर प्रोटोनिक एच कितने हैं, जो आपके एसिडिक एच हैं, कितने एसिडिक एच हैं? 3। ओके तो ये 3H निकाल सकता है, H पॉजिटिव्स यहाँ से निकल सकते हैं, समझ में आया? तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, N फैक्टर्स और Z फैक्टर 3, बिकॉज 3H पॉजिटिव्स ये दे सकता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स में आपने देखा होगा जेड फैक्टर्स और एन फैक्टर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ H3PO4 से आपका P2O5 फॉर्म होता है, P2O5 फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? Who will tell me the process of forming of P2O5? P2O5 is very good dehydrating agents. कैसे फॉर्म हुआ P2O5? देखो एक्चुअली में जो H3PO3 है, सॉरी H3PO4 है, H3PO4 आपका डाइमराइज होकर के, बिकॉज यहाँ पर P2O5 है ना, तो मुझे फास्फोरस कितने चाहिए, 2, दैट मीन्स ये डाइमराइज होगा। ओके एंड डाइमराइज होकर के फॉर्म होगा H6P2O8 फॉर्म होगा, एंड यहाँ से मेरा H2O निकलेगा। कितने नंबर ऑफ H2O निकालना है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन सारे रिमूव करना है, तो 3H2O में यहाँ से निकालूंगा, दैट फॉर्म P2O5 फॉर्म हो जाएगा, समझ में आया? एंड P2O5 नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स P4O10 में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ओके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंड P2O5 आपका नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स? नाम से पता लग रहा है आपको, ओके नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, P4O10 का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप लोग देखो, यहाँ पर फास्फोरस है आपका, लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर, फास्फोरस, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए, 4, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए। नाउ टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस फास्फोरस, क्या होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। वेरी गुड, sp3 हुआ, ओके। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं इन दिस क्वेश्चन पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं, ओके सो लेट्स थोड़ा सा और टफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को, पीओपी बॉन्ड्स आप लोग बताओगे, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स? नाउ ये आप फाइंड करो बेसिकली हाउ मेनी ओपीओ लिंकेज, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएगा,
हाउ मैनी ओपीओ लिंकेज इन दिस स्ट्रक्चर नाउ. सो देखो बेटा, अच्छा आप लोग एक आइडिया बताओ कितना हो सकता है. एवरी वन टेल मी द आइडिया कि कितने हो सकते हैं ओपीओ लिंकेज, कितने होंगे. एट. एट. एंड एनी अदर. बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या. 12. ओके नेक्स्ट. टेन रघुनंदन. टेन. ओके देर आर 16 लोग. आप लोग 16 लोग हो. आंसर 3 लोगों ने किया. ओनली 3 पर्सन हैज आंसर्ड. ट्वेल्व. ओके ओके देखो यहाँ पर कितना है. बाकी लोग नहीं करेंगे आंसर, मुझे पता है आप लोग नींद में रहते हो क्लास लेते टाइम, बाद में वीडियो लेक्चर देख के आप टाइम बर्बाद करते हो. ओके सो यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट करता हूँ. ओपीओ बॉन्ड पूछा ना मैंने, ओपीओ तो वन ओ पी ओ, दिस इज वन बॉन्ड, क्लियर है ना. नेक्स्ट बॉन्ड क्या हो जाएगा. ओके मैं यहां से नहीं करता हूँ, यहां से आपको समझ में आएगा. ओ पी ओ वन, ओ पी ओ टू, टू बॉन्ड्स हुए ना. एंड नेक्स्ट है ओ पी ओ, ये थ्री बॉन्ड्स हुए. ओके एंड फोर्थ आपका आएगा ओ पी ओ फोर, फिर फिफ्थ आएगा ओ पी ओ फिफ्थ आएगा, समझ में आया. एंड सिक्स्थ आएगा आपका नेक्स्ट दिस वाला बॉन्ड्स ओ पी ओ पी ओ ओ पी ओ, ये वाला बॉन्ड्स आया. तो टोटल्स पर फास्फोरस देर आर 6 बॉन्ड्स, 6 फाइव हो रहे हैं. सही से काउंट करो कितना बॉन्ड्स हो रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करा रहा हूं. ओके लेट देखो यहां पर मैं रिपीट करा रहा हूं. ओ पी ओ दिस इज वन बॉन्ड. ओके एंड ओ पी ओ दिस इज सेकेंड बॉन्ड. ओके एंड दिस इज ओ पी ओ दिस इज फोर्थ बॉन्ड, यही है ना. देन ओ पी ओ दिस इज फाइव बॉन्ड. ओके एंड दिस इज ओ पी ओ वन टू थ्री फोर फाइव एंड ओ पी ओ सिक्स हुए. ऑल ऑफ यू सिक्स हुए कि नहीं हुए, सिक्स बॉन्ड हुए. ओके सो देर आर 6 पर फास्फोरस, 6 बॉन्ड एंड देर आर कितने फास्फोरस हैं, 4 फास्फोरस. सो 6 × 4 दैट मीन्स 24 बॉन्ड्स आर 24 लिंक. समझे ऑल ऑफ यू. देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन. आपको सब कुछ पता रहेगा, सब कुछ निकालना आता रहेगा, बट आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो भी आप गलती कर सकते हो. स्ट्रक्चर होने के बाद भी आप गलती कर सकते हो बिकॉज आप लोगों ने 4, 5, 12, 16, 19 कैसा क्या बोला. ओके समझ में ऑल ऑफ यू. सो आई थिंक मैं आज यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट हम लोग H3PO3 करेंगे, ऑर्थो फास्फोरस एसिड करेंगे. नेक्स्ट में हम लोग सारे एसिड कवर करेंगे. ओके एंड देन वी विल एसिड कवर होने के बाद हम लोग बाकी कोई भी कंपाउंड्स कवर नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा ऑक्सीजन फैमिली. ओके